उम्मीद है आप लोगों को फर्स्ट लाफ मोशन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसे बार बार देखें वीडियोज को तो आपको बेहतर होगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आवर कॉमन लाइफ रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड एनर्सिया आल्सो। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हम लोगों को मोमेंटम के बारे में समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाई मोमेंटम? देखिए मोमेंटम का हिंदी मीनिंग होता है संवेग। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मोशन पजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। या इसी अमाउंट जो हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मोशन की क्वांटिटी कितनी है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मोशन। जब वो चल रहा है तो उसकी मोशन का अमाउंट कितना है, उसकी मोशन की क्वांटिटी कितनी है, दैट इज नोन एज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है तो भाई उसकी स्पीड कुछ होगी, वेलोसिटी कुछ होगी, और उस ऑब्जेक्ट का मास भी कुछ होगा। तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी मिलाकर जो वैल्यू, जो क्वांटिटी, जो अमाउंट आएगा वही उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी। यानी कि मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट को ही मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम स्मॉल पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम इंटू वी क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो मास और उसकी वेलोसिटी को का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। जो क्वांटिटी, जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट ऑफ मोशन जो है मोमेंटम कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी में डायरेक्शन का रोल बहुत बड़ा होता है, और इसी तरह मोमेंटम में भी डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन होगी, उसके वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। हेंस मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। ये देखिए मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों को मिलाकर मोमेंटम की जो यूनिट होगी एसआई यूनिट वो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड, भाई मीटर पर सेकेंड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। क्यों? क्योंकि देखिए मीटर अपान सेकेंड होता है वेलोसिटी की यूनिट, दोनों पे वन वन पावर है, दोनों पे जब वन वन पावर तो इसे देखिए डिनोमिनेटर से जब ऊपर लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, वन की जगह माइनस वन हो जाएगा, तो मीटर सेकेंड इनवर्स। यही चीज यहाँ यूज किया गया, मीटर सेकेंड यूनिवर्स, जैसे यहाँ पर बताया है हमने। ठीक है, तो आप चाहे केजी मीटर पर सेकेंड लिखिए, चाहे केजी मीटर सेकेंड यूनिवर्स लिखिए, दोनों बोथ आर राइट। और इसी तरह इसकी सीजीएस यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, तो केजी की जगह ग्राम हो गया और मीटर पर सेकेंड की जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, इट इज द सीजीएस यूनिट। ठीक है, ये यूनिट्स और फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो मोमेंटम की डिफिनीशन हम क्या कहेंगे? द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट, या द अमाउंट ऑफ मोशन पजेस्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए मोमेंटम का एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसिडर टू बॉल्स ए एंड बी, लेट बॉल ए बी हैवियर देन द बॉल बी। दो बॉल है, ए जो है बी से भारी है, मतलब मास एम वन, ए का जो मास है एम वन वो बी से ज्यादा है, बी का मास एम टू है। ठीक, सपोज बोथ बॉल्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। दोनों बॉल की वेलोसिटी तो सेम है लेकिन बॉल ए की मास ज्यादा है बी से। ठीक है, तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉल ए इज मोर देन
द फोर्स रिक्वायर्ड टू बॉल बी। क्यों भाई? बॉल ए का जो मास अधिक है, बॉल बी का मास कम है, ठीक है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, लेकिन अगर मोमेंटम निकालें एम इंटू वी से, तो एम अधिक है ए का, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा आएगा और बी का मोमेंटम कम आएगा। तो ए वाली बॉल को रोकने के लिए, ये तो हम इनर्सिया से भी सीखे हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक रहता है उसको जो है रोकने के लिए या उसके स्टेट को चेंज करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉल ए इज मोर देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू बॉल बी। दिस शोज दैट द हैवियर बॉल हैज मोर क्वांटिटी ऑफ मोशन देन द लाइटर बॉल। इससे समझ में आता है, सीधी सी बात भी है, अभी हम फार्मूला पढ़े हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो एम इंटू वी करें तो बॉल ए का मोमेंटम ज़्यादा आएगा, बॉल बी का मोमेंटम कम आएगा, क्योंकि इसका मास अधिक है ना भाई, तो इसका मोमेंटम अधिक आएगा एम वन इंटू वी, और एम टू इंटू वी कम आएगा। तो जब जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन किस बॉल का अधिक होगा, ए बॉल का, और क्वांटिटी ऑफ मोशन बी बॉल का कम होगा। दस मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इसका मतलब कि जो मोमेंटम होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो सीधे सीधे उसके मास पर डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट का, ठीक है। शर्त यह है कि ऑब्जेक्ट मूव करता रहे। तो एक बात तो ये हो गई कि ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। देखिए, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जिसका मास ज़्यादा है मोमेंटम ज़्यादा होगा। दूसरा केस, नाउ कंसीडर टू बॉल्स ऑफ सेम मास मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। चलिए अब दो बॉल और कंसीडर करते हैं जिनके मास इस बार सेम है। उस बार दोनों की वेलोसिटी सेम थी, मास अलग अलग था। इस बार क्या है, मास सेम है दोनों बॉल का, लेकिन उनकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्ट मूविंग बॉल इज मोर देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप स्लो मूविंग बॉल। भाई, तो जो बॉल बहुत तेजी से आ रही होगी तो उसे रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो बॉल धीरे धीरे आ रही है उसे रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो उसका मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है। तो जिसकी वेलोसिटी अधिक होगी वो वेलोसिटी इनटू मास, यही तो मोमेंटम का फार्मूला है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी मोमेंटम की। तो तेज जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका भी मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन और मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जैसा कि हम फार्मूले में भी देख चुके हैं जो है। तो हमने क्या क्या पाया यहाँ, देखिए, तो यहाँ पे मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास था, यहाँ पे मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से मोमेंटम दो बॉडी, दो क्वांटिटीज पे डिपेंड ग्राफ ड्रा किया गया है मोमेंटम और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक साइड वाई एक्सिस पे मोमेंटम, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट किए, और कह रहा है कि यदि मास कांस्टेंट हो ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास कांस्टेंट है तो वह उसका मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी जैसे जैसे देखिए बढ़ती जा रही है, मोमेंटम भी बढ़ते जा रहा है। किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है मोमेंटम भी वैसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अगला एक और ग्राफ देखिए, एक अगला ग्राफ ये देखिए, मास और मोमेंटम के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड मास इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब यहाँ कह रहा है कि यदि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो बताइए कि मास और मोमेंटम के बीच कैसा ग्राफ करें। भाई, तो हम लोगों ने ये सीखा था कि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास आल्सो, जैसे जैसे मास अधिक होता जाएगा मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा उसका मोमेंटम भी उतना ही
अधिक होगा। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसका मास अधिक होते जाए, मान लीजिए एक बस है, एक कार है, एक ट्रक है, तो कार का मोमेंटम कम होगा क्योंकि उसकी मास कम है, बस का मोमेंटम उससे अधिक होगा क्योंकि उसका मास अधिक है, उसके बाद ट्रक का मोमेंटम और अधिक होगा क्योंकि ट्रक का जो मास है वो उससे बस से और अधिक है। तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है देख रहे हैं मोमेंटम भी बढ़ते जा रहा है, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आल्सो, जैसा कि अभी हमने ऊपर इसी टॉपिक में पढ़ा कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। तो अगर कभी ग्राफ ड्रा करने के लिए आ जाए कि मोमेंटम और मास के बीच ग्राफ ड्रा कीजिए, तो ऐसे यूनिफॉर्म मोशन का जैसे ग्राफ होता है उसी तरह इसका भी ग्राफ होगा, ठीक है। और अगर मास और मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का दे तो वहाँ पे इस तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही, अरे यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ, इस तरह का हम एक कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ बना देंगे। लेकिन वहाँ लिखना पड़ेगा ये नीचे वाली लाइन, यदि मोमेंटम और मास के बीच ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो लिखेंगे इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और यदि हम मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो हम लिखेंगे मास इज कांस्टेंट, ठीक है, तब हमारा ग्राफ सही होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। अब भाई चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है मोशन में है, तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें मास भी होगा, मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी भी होगी। तो जब मास और वेलोसिटी किसी बॉडी में है इसका मतलब उसमें मोमेंटम भी होगा, क्योंकि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में मोमेंटम होता है। अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आप कम या ज्यादा करेंगे, भाई वेलोसिटी को आपने बढ़ा दिया तो भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा एम इंटू वी से, क्योंकि आपने वी को चेंज कर दिया तो अब प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। यदि आपने वेलोसिटी घटा दिया तो भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा एम इंटू वी से, क्योंकि वी घट गया तो पी इज इक्वल टू एम इंटू वी भी घट जाएगा। और ये चेंज आएगा क्यों, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में या स्टेट में चेंज तभी आता है जब उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स लग रहा हो। तो जब कोई अनबैलेंस फोर्स लगता है तो जितना ज्यादा आप अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे किसी चीज पर उसके मोमेंटम में भी उतना ज्यादा चेंज आएगा। भाई मान लो आप किसी बॉक्स को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो बॉक्स को अकेले आप पुश कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, पहले जीरो था वेलोसिटी, अब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तो वी बढ़ गया ना, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो एम इंटू वी से मोमेंटम भी बढ़ गया, ठीक है, उसका मोमेंटम अब चेंज हो गया। लेकिन अभी आपका एक फ्रेंड आया, उसने भी फोर्स लगा दिया, आप भी लगा रहे हैं बॉक्स पे, अब ऑब्जेक्ट और तेजी से मूव करने लगा। अब ऑब्जेक्ट जब और तेजी से मूव करने लगा इसका मतलब उसकी वेलोसिटी और बढ़ गई, तो वेलोसिटी बढ़ गई तो उसका मोमेंटम और ज्यादा चेंज हो गया। तो देख रहे हैं आप चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो ये चेंज हो रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, जो फोर्स लगाया जा रहा है बॉक्स पर डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे मोमेंटम में उतना ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है। यही चीज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉडी। और देखिए एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉडी। ये तो हमने बताया है कि भाई जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की भी दिशा होगी, तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी उसी दिशा में काम करेगा। तो अब देखिए क्या फार्मूला बनाया, कह रहा अनबैलेंस्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ फोर्स एफ इज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का देखिए साइन है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी पर यूनिट जो चेंज आ रहा मोमेंटम में उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं डी पी अपॉन डी टी, या इसको हम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते थे। ये देखिए डी पी अपॉन डी टी हो या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो,
ये शॉर्ट मतलब जो भी चेंज आ रहा है, पहले जो भी मोमेंटम रहा हो और आपके फोर्स लगाने के बाद मोमेंटम बढ़ गया, तो अब जो मोमेंटम बढ़ा उसमें से ये पहले वाला मोमेंटम जब माइनस करते हैं हम, तो जो चेंज आया, ठीक है, मान लीजिए कि आपके चलने से पहले मोमेंटम 3 था और आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया तो बढ़ के मोमेंटम 5 हो गया, तो इनिशियल मोमेंटम 3, फाइनल मोमेंटम 5, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी 5 माइनस 3, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया, 2 kg/s। तो वो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट कितना चेंज आ रहा है मोमेंटम में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। डीपी देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम को, एंड डीटी क्या कर रहा है, टाइम टेकन फॉर दिस चेंज इन मोमेंटम। चलिए अभी आगे हम डिराइव करेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा, देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमको फोर्स का, तो हम इसे प्रूफ करके अपना फोर्स का फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए वो डिराइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसने प्रूफ किया है। इसने कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू, कोई ऑब्जेक्ट है मास उसका एम है और वो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, उस पर एफ फोर्स लगा है, वो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है। उस पर जब एफ फोर्स अप्लाई किया गया टी सेकेंड के लिए, सो दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम टी इज वी, जब भाई आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप उसी डायरेक्शन में, जैसे यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट के चलने के डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी, तो अब स्पीड बढ़ जाएगी तो अब उसे यू से तो रिप्रेजेंट नहीं ना करेंगे, क्योंकि यू तो इनिशियल वेलोसिटी थी पहले जिससे चल रहा था, तो अब वेलोसिटी चेंज हो गई तो उसे वी से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू हो गया, फाइनल वेलोसिटी वी हो गया, और मास हो गया एम और टाइम हो गया टी। तो चलिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, बॉडी का ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास एम है और वेलोसिटी यू है शुरुआत में, तो आ गया पी आई मतलब मोमेंटम इनिशियल या इनिशियल मोमेंटम, तो इज इक्वल टू एम इंटू यू। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो जब फोर्स लगा दिए तो अब भाई इसका मास तो एम ही है लेकिन वेलोसिटी अब वी हो गया, तो फाइनल मोमेंटम भी हम एम मास इंटू वेलोसिटी से निकाल लेते हैं एम इंटू वी, तो इनिशियल मोमेंटम एम यू आया, फाइनल मोमेंटम आ गया एम इंटू वी। अब चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देते हैं, तो फाइनल मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन ले लीजिए आ गया वी माइनस यू, ठीक। तो भाई फोर्स कितने देर के लिए लगा था, टी सेकेंड्स के लिए, तो टाइम जो लिया गया उसमें उसमें टाइम लगा वो टी सेकेंड का टाइम लगा, क्योंकि वेलोसिटी टी सेकेंड तक फोर्स लगाने के कारण ही तो यू से वी हुई, तो टाइम हमारे पास टी है और चेंज इन मोमेंटम ये है एम वी माइनस यू। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेते हैं कि पर सेकेंड उसके मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा, तो टोटल मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम में जो टाइम है उससे डिवाइड कर दें, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, तो आ गया जेके चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू अपॉन टाइम टेकन टी, ठीक है। अब अभी अभी हम लोग ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डिफिनीशन क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अभी ऊपर पढ़े थे ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डिफिनेशन, तो अप्लाइड फोर्स या अनबैलेंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एफ के, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये इक्वेशन वन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उसका देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से
इसको रीअरेंज करके हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्सलरेशन की, तो ये आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। ठीक है, रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। तो इक्वेशन वन में v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए, क्योंकि उसमें है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v माइनस यू अपॉन टी। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए v माइनस यू अपॉन टी है, तो इसकी जगह पे हम स्मॉल a लिख देंगे, तो हमें मिल जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। तो देखिए इक्वेशन वन आ गया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, क्योंकि ये इसकी जगह पे हमने a लिख दिया, m इंटू a। अब प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है उसे हटाने के लिए किसी न किसी कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ रखना पड़ता है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, f इज इक्वल टू k इंटू एम ए। अब देखिए प्रोपोर्शनल साइन की जगह पे इक्वल लग गया, क्योंकि हमने यहाँ एक कांस्टेंट नंबर लगा दिया है। तो f इज इक्वल टू k m इंटू ए, तो जो कांस्टेंट हमने लिया उसकी वैल्यू देखिए, इफ अगर हम लोग सारी वैल्यू यूनिट में ले लें, f की वैल्यू 1 यूनिट, m की वैल्यू 1 यूनिट और a की वैल्यू भी 1 यूनिट ले लें। ठीक है, मतलब फोर्स अप्लाई करें, इकाई मास का ऑब्जेक्ट है यूनिट मास का, तो फोर्स अप्लाई किए 1 न्यूटन, तो जो उसके अंदर एक्सेलरेशन में चेंज आया वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आया। तो सब की वैल्यू जब 1 लेंगे तो k की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, k इज इक्वल टू 1। तो इस k की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, हमें मिलेगा f इज इक्वल टू m इंटू a। ठीक है, दस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड इट्स एक्सलरेशन। जो फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्टिंग एक्ट होता है, काम करता है, तो वो डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है और उस ऑब्जेक्ट के एक्सलरेशन पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उसका एक्सलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा आपको उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे मूव कराने के लिए। और यही तो फोर्स का फार्मूला भी है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डिफिनीशन से हम लोगों ने फोर्स के फार्मूले को अटेन किया, प्राप्त किया। देखिए यहाँ लिखा भी है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। जाहिर सी बात भी है भाई, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, तो बाइक से आप कैसे स्पीड बढ़ाओगे आप, जब आप एक्सलरेटर पे फोर्स लगाते हो और उसे रोटेट करते हो तो तब ना जाके बाइक तेज होती है। तो आप जितना उसे रोटेट करते हैं यानी जितना फोर्स अप्लाई करते हैं बाइक का एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। जैसे एक क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल, ये हम सबके प्रैक्टिकल लाइफ के एक एग्जांपल है कि हम सब ने क्रिकेट खेला है, और जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो मान लीजिए कोई कैच आया, बॉल आपकी तरफ उड़ती हुई आ रही बहुत तेजी से, तो आप जब उसे कैच पकड़ना चाहेंगे तो देखिए डायरेक्ट आप कैच नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कैच पकड़ने से क्या होता है कि बॉल हमारी हथेली से टकरा कर तुरंत बाहर निकल जाती है और पकड़ में नहीं आती। तो हम उस बॉल को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, अपने हैंड को भी कैच पकड़ने की मुद्रा में आ जाएंगे और फिर अपने हैंड को भी पीछे की तरफ ले जाते हैं और बॉल को थोड़ा सा हैंड को लोअर करके पीछे की तरफ ले जाके पकड़ते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, उससे हमें क्या फायदा होता है? तो उसका देखिए, उसका फायदा हमें ये होता है कि हम जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि जितनी तेजी से मोमेंटम में चेंज आएगा चोट उतना ही तेज लगेगा, बॉल उतनी तेज टकराएगी हाथ से। ठीक है, तो अब चेंज इन मोमेंटम
अब भाई इसके स्पीड को हमें कम करना पड़ेगा, मोमेंटम बहुत तेजी से ना चेंज हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम को बढ़ा देते हैं। देखिए बॉल जब आने लगती है आपके हाथ के पास तो आप धीरे धीरे हाथ को पीछे ले जा रहे हैं, तुरंत नहीं बॉल टकराई आपके हाथ से, थोड़ा देर में टकराई। तो ये जो टाइम पीरियड का डिफरेंस हो गया, थोड़ा सा आपने समय दे दिया बॉल को, तो टाइम बढ़ गया। अब टाइम की वैल्यू बढ़ गई तो जो टकराने पर फोर्स होगा वो कम लगेगा। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम का मतलब भाई बॉल बैट्समैन ने किक किया, ठीक है, बहुत तेजी से हिट किया, तो बॉल हिट किया तो उसकी स्पीड कितनी ज्यादा हो गई, ठीक, तो उसका इनिशियल मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा क्योंकि बॉल का कुछ मास होगा और वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा है, तो एम इंटू वी यानी मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा इनिशियल मोमेंटम। और जब बॉल टकराएगी आपके हाथ से तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, तो वेलोसिटी जीरो होते ही मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो भाई ये देखिए इतना ज्यादा मोमेंटम और बॉल के टकराते ही एकाएक मोमेंटम बिल्कुल जीरो हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम बहुत तेजी से हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम जितना ज्यादा और तेजी से होगा उतना ही ज्यादा चोट आपके हाथ पर बॉल से लगेगी, उतनी ही तेजी से बॉल आपके हाथ पर टकराएगी। तो ये चोट कम करने के लिए चेंज इन मोमेंटम को जो बहुत तेजी से हो गया उसको थोड़ा स्लो करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड को बढ़ा देंगे। अपने हाथ को हम थोड़ा सा पीछे लोअर करते हैं ताकि बॉल तुरंत एकाएक न टकराए, थोड़ा सा टाइम लेकर टकराए। तो टाइम लेकर टकराने से क्या हुआ कि टाइम बढ़ गया, और टाइम बढ़ गया तो देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स और टाइम, अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, यदि टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, टाइम अधिक लगेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो अब जब हमने बॉल को पीछे हैंड ले जाके पकड़ा तो हमने कुछ टाइम दे दिया, मोमेंटम के चेंज में थोड़ा सा समय लग गया, इसकी वजह से जो बॉल का हिट की हमारे कलाई से तो वो कम फोर्स अप्लाई की, और इसकी वजह से बॉल को हमने आसानी से कैच कर लिया। और वही बॉल को अगर हम डायरेक्ट पकड़ते सामने तो भाई तुरंत चेंज इन मोमेंटम होता बहुत कम समय में, और टाइम कम हो जाता चेंज इन मोमेंटम का, टी कम होता तो एफ बढ़ जाता, फोर्स अधिक लगता, और उस वजह से बॉल टकरा कर हमारे हथेली से हो सकता था कि बाहर भी चली जाए, कैच ही ना पकड़े जाए। ये समझाया भी, देखिए इफ ए प्लेयर डज नॉट लोअर इज हैंड्स वाइल कैचिंग द बॉल द टाइम टू स्टॉप द बॉल इज वेरी स्मॉल। अगर डायरेक्ट पकड़ लेंगे तो तुरंत टाइम जीरो हो गया, उसको कोई समय ही नहीं लगा, तो जब भाई आपका समय ही कम लगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। सो ए लार्ज फोर्स हैज टू बी अप्लाइड टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल और जीरो टू जीरो और टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉल। अब जैसे ही बॉल टकराई भाई उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो चेंज बहुत तेजी से टकराएगी बॉल, उसका मोमेंटम एकाएक जीरो हो जाएगा। वेन ए प्लेयर लोअर्स हिज हैंड, जब अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाता है द टाइम टू स्टॉप द बॉल इज इंक्रीज्ड, तो वो टाइम पीरियड बढ़ गया। देखिए थोड़ा सा ही मामूली सा बढ़ा लेकिन उतने से ही हमको कुछ फायदा मिल गया, एंड हेंस लेस फोर्स हैज टू बी अप्लाइड टू कॉज द सेम चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। और उसी जो से जो चेंज इन मोमेंटम पहले केस में होता हाथ को पीछे ले जाने पर भी वही चेंज इन मोमेंटम हुआ, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम हमने बढ़ा दिया, इस वजह से फोर्स हमें कम महसूस हुआ। Therefore, the hands of the player are not injured. इस वजह से उसे चोट नहीं लगी। आगे देखते हैं। A person falling on a cemented floor gets injured, but a person falling on a heap of sand is not injured. कह रहा है कि मान लीजिए थोड़ी ऊंचाई पर आप हैं किसी टेबल पर, ठीक है, और आप एक बार सीमेंटेड फर्श पे जंप किए, ठीक, और फिर उस टेबल को किसी ऐसी जगह लगाएं जहां पर थोड़ा सा सैंड है, बालू है, उसके बाद उसी टेबल पर से फिर उस सैंड पर जंप किए, तो आप महसूस करेंगे कि आप जब फर्श पे जंप किए तो आपको चोट ज्यादा लगी, और बालू पर सैंड पर जंप किए तो चोट कम लगी, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा उसी फार्मूले जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो फार्मूला हमारा है dP / dT, ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ भी यूज हो रहा है। देखिए जैसे जब आप जंप करेंगे सीमेंटेड फर्श पे, ठीक है, तो सीमेंटेड फर्श पे आप भाई जैसे ही जंप किए
तो आपकी बॉडी मोशन में आ गई, तो आपकी बॉडी का मोमेंटम अधिक होगा उस समय, इनिशियल मोमेंटम, और आप जैसे ही फ्लोर पर टकराए, देख रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज वेरी लार्ज बिकॉज द पर्सन इज एब्रप्टली स्टॉप। आप अचानक एकाएक तुरंत फ्लोर पे जाएंगे और आपका पैर टकराएगा और आप रेस्ट पोजिशन में आ जाएंगे। तो इनिशियल मोमेंटम इतना अधिक था और एकाएक उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो मोमेंटम भी जीरो हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम बहुत तेजी से हुआ। जो चेंज इन मोमेंटम का टाइमिंग था वो बहुत ही कम लगा, तुरंत आप मोशन से रेस्ट में आ गए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा उसको रेस्ट में आने में, मोमेंटम को जीरो होने में। तो चेंज इन मोमेंटम बहुत ही कम समय में हो गया। तो जितना कम समय लगेगा फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए देखिए, स्टॉप्ड इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, हेंस द पर्सन गेट इंजर्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ए लार्ज फोर्स ऑन हिज बॉडी ड्यू टू द फ्लोर। और वहीं जब वो पर्सन सीमेंटेड फ्लोर की जगह सैंड पर कूदता है, जंप करता है, तो अब सैंड देखिए बिल्कुल टाइट तो होता नहीं है, थोड़ा सा वो टाइमिंग लेगा, थोड़ा सा वो स्पंजी होता है, दबेगा। देखिए, When a person falls on a heap of sand का मतलब बालू के ढेर पर, the sand yields under the weight of the person। जैसे ही आदमी उस पर कूदेगा तो थोड़ा सा वो दबेगा पर्सन के वेट से। एज ए रिजल्ट, अब देखिए एकाएक नहीं जो है उसका स्पीड जीरो हुआ है, विलासिटी एकाएक नहीं जीरो हुआ, और विलासिटी नहीं जीरो हुआ एकाएक, तो मोमेंटम भी एकाएक जीरो नहीं हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम में अब थोड़ा टाइम लग गया। देखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द पर्सन कम्स टू रेस्ट इन ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसकी तुलना में, सीमेंटेड फर्श की तुलना में, सैंड पर जब वो जंप करके नीचे गया बालू पर, तो थोड़ा उसको ज़्यादा टाइम लगा, बहुत थोड़ा ही, लेकिन टाइम पीरियड बढ़ गया। तो अब देखिए, ये टाइम पीरियड जैसे ही बढ़ा तो टी की वैल्यू बढ़ेगी, तो एफ की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम पीरियड बढ़ गया तो फोर्स की वैल्यू घट गई, ठीक है। सो द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम, हेंस ए स्मॉल फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द बॉडी ऑफ द पर्सन व्हेन ही फॉल्स ऑन ए हीप ऑफ सैंड, देयरफॉर ही डज नॉट गेट इंजर्ड। अब सेकेंड केस में जब वो जंप किया तो उसको रेस्ट में आने में कुछ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, सीमेंटेड फ्लोर पे तुरंत रेस्ट में आ गया, और बालू वाले पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, तो वहाँ पे बालू पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने से फोर्स की वैल्यू घट गई, फोर्स का मैग्नीट्यूड घट गया, इसलिए चोट भी कम आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ह्यूज डैमेज टू द मूविंग ट्रेन टेक्स प्लेस व्हेन इट सडनली कोलाइड्स विद ए स्टेशनरी ट्रेन। कह रहा है कि मान लीजिए कोई ट्रेन बहुत तेजी से मूव करती जा रही है और अचानक सामने खड़ी ट्रेन से टकरा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ऐसा क्यों? तो इसी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं ना इस चीज़ को भी, क्योंकि भाई देखिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ट्रेन, एक ट्रेन स्टेशनरी पोजीशन में रुकी हुई है और एक ट्रेन बहुत तेज़ी से चलती हुई आ रही, तो ट्रेन की स्पीड यानी वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगी तो उसका भाई ट्रेन का मास भी ज़्यादा होता है और उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, तो m इंटू वी से उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि ट्रेन चल रही है तो उसका इनिशियल मोमेंटम बहुत अधिक होगा, और वो ट्रेन एकाएक आकर स्टेशनरी ट्रेन से टकराती है, तो एकाएक आकर जब स्टेशनरी ट्रेन से टकराएगी भाई, तो उसकी वेलोसिटी एकाएक जीरो हो जाएगी, और वेलोसिटी के जीरो होते ही मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। तो कहाँ इतना अधिक मोमेंटम था ट्रेन का और एकाएक टकरा कर उसका मोमेंटम अचानक जीरो हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम तो बहुत ज़्यादा हो गया, हाई मोमेंटम से बिल्कुल जीरो मोमेंटम, मतलब एक बहुत ज़बरदस्त बड़ी वैल्यू का चेंज आया मोमेंटम में। तो और चेंज तो आया ही, साथ में ये भी तो देखिए कि ट्रेन कितनी तेजी से जा रही थी और जब स्टेशनरी ट्रेन से टकराई तो बहुत ही कम समय में, बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन में वो रेस्ट में आ गई, यानी टाइम पीरियड बहुत कम लगा उसको रेस्ट में आने में, मोमेंटम को जीरो होने में बहुत कम समय लगा। तो जब टाइम पीरियड कम लगेगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, फोर्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा,
क्योंकि देखिए फोर्स और टाइम पीरियड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना कम टाइम लगेगा चेंज इन मोमेंटम में उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। यही हुआ कि देखिए जैसे ही टकराई, दिस लार्ज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ट्रेन इज ब्रॉट अबाउट इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम समय में मोमेंटम जीरो हो गया। हेंस ए लार्ज रिटार्डिंग फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग ट्रेन। ड्यू टू दिस लार्ज फोर्स ह्यूज डैमेज इज डन टू द मूविंग ट्रेन। इसी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब नेक्स्ट देखिए, द व्हीकल्स आर फिटेड विद शॉकर्स। आप देखते होंगे चाहे बाइक हो चाहे साइकिल, अरे बाइक हो या कोई कार हो या बस ट्रेन कुछ भी बड़ी व्हीकल्स जो भी हैं, तो आप उसमें देखते हैं शॉकर्स लगे रहते हैं, या हिंदी में कहें तो कमानी लगा रहता है। ठीक है, तो वो कमानी लगाने के पीछे कारण यही होता है कि ताकि जो जर्किंग हो, ठीक है, तो जर्किंग होगा तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जब जंप किया ऊपर की तरफ तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, उसमें मोमेंटम भाई मोशन में है, ठीक है, उसमें समय तो मोमेंटम है ही, लेकिन जब किसी ब्रेकर पर वो जंप करता है, ठीक है, तो जंप करने के बाद जब नीचे आता है व्हीकल, तो नीचे आएगा तो फिर उसके मोमेंटम में बहुत तेजी से चेंज आएगा। तो अगर ये स्प्रिंग या कमानी ना लगा रहे तो क्या होगा कि ये चेंज इन मोमेंटम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा मोमेंटम में। और आपको पता है कि जितना कम टाइम लगेगा मोमेंटम के चेंज होने में, यानी कि मोमेंटम जितना तेजी से चेंज होगा ऑब्जेक्ट का, फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए क्या होता है, कमानी लगा देते हैं, स्प्रिंग लगा देते हैं, ताकि जब ब्रेकर पर से व्हीकल नीचे आए दूसरी साइड तो एकाएक चेंज इन मोमेंटम ना हो, थोड़ा सा उसमें टाइम पीरियड लगे, तो टाइम पीरियड लगेगा तो जो फोर्स है जर्किंग जो है वो हमें कम महसूस होगी। देखिए, व्हेन द व्हीकल मूव्स ओवर ए रफ रोड द फोर्स ड्यू टू जर्क इज ट्रांसमिटेड टू द फ्लोर ऑफ द व्हीकल थ्रू द शॉकर्स। ठीक है, शॉकर्स के थ्रू जो एक्स्ट्रा फोर्स है चेंज इन मोमेंटम है वो ट्रांसमिट होता रहेगा फ्लोर को, रोड को। द शॉकर्स इंक्रीज द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द फोर्स ऑफ जर्क टू रीच द फ्लोर ऑफ द व्हीकल। अब जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है जर्किंग के कारण, खराब रोड के कारण, तो वो तुरंत जो जर्किंग है उसको तुरंत फ्लोर से नहीं कांटेक्ट कराएगा ना। अगर डायरेक्ट फ्लोर से कांटेक्ट होगा तो बहुत जंप करने लगेगी व्हीकल, और बैठा जो सवारी होगा पैसेंजर होगा उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी, ड्राइवर को भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन शॉकर्स के थ्रू जा रहा है जब जर्किंग फ्लोर को, तो अब वो थोड़े टाइमिंग ले ले रहा है। ठीक है, देखिए, इंक्रीज द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द फोर्स ऑफ जर्क टू रीच द फ्लोर ऑफ द व्हीकल, हेंस लेस फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द पैसेंजर्स इन द व्हीकल्स। इसीलिए स्प्रिंग या कमानी लगा होता है व्हीकल्स में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल और अच्छा है जिसको सुनकर हमें समझ में आएगा। आवर हैंड हर्ट्स मोर वेन वी हिट द वॉल देन वेन वी हिट ए स्पॉन सीट ऑफ ए कार। जब कह रहा है कि जब हम वाल को हिट करते हैं दीवार को तो हमें बहुत ज़्यादा चोट लगती है, और वहीं जब हम किसी कार की सीट को हिट करते हैं तो हमें बहुत कम चोट लगता है, ऐसा क्यों? तो वहाँ भी देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन काम करता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही। अब देखिए जैसे अब वाल को आप जब हिट करोगे, आप इसे रीड कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को, आप रीड करके भी समझ सकते हैं कि आप जब वाल को हिट करने के लिए अपने हैंड को मोशन में लाते हैं, तो अब हैंड मोशन में आ गया तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो जब मोशन में हैंड आ गया तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि वेलोसिटी है हैंड में, अब इनिशियल मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही आपने वाल को हिट किया अब वेलोसिटी हो गई जीरो, तो मतलब मोमेंटम भी हो गया जीरो। तो कहाँ इतना अधिक मोमेंटम और एकाएक आपका मोमेंटम तुरंत जीरो हो गया। और भाई इस मोमेंटम के जीरो होने मतलब हाई मोमेंटम से जीरो मोमेंटम, यानी ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो एकदम 0 सेकंड में हो गया, कोई टाइमिंग ही नहीं लगा, बहुत जल्दी जीरो हो गया। तो जब टाइम कम लगा तो जो फोर्स लगेगा वाल से हमारे हैंड पे वो बहुत ज़्यादा होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो टाइम कम लगा तो फोर्स ज़्यादा लग गया। और वहीं जब कार के स्पंज सीट पर आप
क्या करते हो, हिट करते हो, तो सारे प्रोसेस वही हुआ। बस अंतर ये था कि जो हाई मोमेंटम से सीट से टकराने के बाद हमारा हाथ जब टकराएगा तो रेस्ट में आने में बहुत थोड़ा सा माइक्रो सेकेंड्स का ही समय सही, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा समय लेगा वाल के कंपेयर में। वाल पे टकराते ही हैंड तुरंत रुक गया, मोमेंटम जीरो हो गया, लेकिन जब सीट पे टकराया तो सीट पर तुरंत नहीं उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं हुआ, मतलब जो मोमेंटम था, जो वेलोसिटी थी आपके हाथ की, वो तुरंत नहीं रेस्ट में आई, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया वाल के कंपेयर में। तो जब टाइम ज़्यादा लिया तो फोर्स भी तो कम लगेगा वाल की तुलना में, तो वही चीज़ देखिए, फोर्स कम लगता है इसीलिए स्पॉन्ज सीट पर, कार पर। आप इसे रीड करके समझिएगा। अब अगला एग्जांपल मैं देखता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, एक कराटे प्लेयर ब्रेक्स द पाइल ऑफ टाइल्स और ब्रेक्स विद ए सिंगल ब्लो। अब देखिए, कराटे प्लेयर्स को अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई ग्लास का सीट का लेयर बना के वो ब्रेक कर देते हैं, या कोई ब्रिक रखा हुआ है उसे ब्रेक कर देते हैं कराटे से, तो वहाँ पर भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही काम करता है। होता क्या है कि हम लोगों ने इस फार्मूले से सीख लिया कि जितना कम टाइम लगेगा फोर्स उतना ज़्यादा अप्लाई होगा, और जितना टाइम लगेगा मोमेंटम को चेंज होने में उतना ही कम फोर्स लगेगा। तो जब कराटे प्लेयर अपने हैंड को बिल्कुल टाइट करके बहुत तेजी से मूव कराता है तो उसका इनिशियल मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो पाइल्स ऑफ टाइटल टाइल्स पर, मतलब जो टाइल्स का ढेर है उस पर अपने हाथ को ले जाता है तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले जाता है। तो इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब ले जाता है, टकराता है अपना हैंड, तो बहुत ज़्यादा फोर्स ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से टाइल्स ब्रेक हो जाते हैं। देखते हैं इसमें क्या समझा रहा। द टाइम टेकन टू स्ट्राइक द पाइल ऑफ टाइल्स इज वेरी स्मॉल एज द मोमेंटम ऑफ हैंड ऑफ ए कराटे प्लेयर रिड्यूस टू जीरो वेन हीज हैंड स्ट्राइक द पाइल ऑफ टाइल्स इज वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम देयर फॉर ए वेरी लार्ज फोर्स। टाइम बहुत कम लगाया उसने, टच कराया बहुत कम समय के लिए, और मैक्सिमम फोर्स ट्रांसफर हुआ। इज एग्जर्टेड ऑन द पाइल ऑफ टाइल्स दिस फोर्स इज इनफ टू ब्रेक द पाइल ऑफ टाइल्स। लेकिन इसे आप अपने घर पर मत ट्राई करने लगिएगा, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आपका हैंड इंजर्ड हो जाए। ठीक है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तभी आप ये काम कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए बॉक्सर मूव्स हिज हेड बैकवर्ड व्हेन हिज अपोनेंट ब्लोज ए पंच। अक्सर आप बॉक्सिंग वगैरह मूवी में देखते हैं या बॉक्सिंग के मैच देखते हैं, तो जब एक बॉक्सर पंच मारता है दूसरे बॉक्सर के माउथ पर, फेस पर, तो दूसरा बॉक्सर अपने फेस को थोड़ा पीछे कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है काम कर रहा है, वही जो बॉल को कैच करने वाला प्रोसेस था, जिसमें नहीं बॉल, क्रिकेटर बॉल को हिट करता है और बॉल को हमको कैच करना होता है, तो हम अपने हैंड को थोड़ा सा लोअर डाउन कर लेते हैं, पीछे ले जाते हैं, ताकि कुछ टाइम ज़्यादा लग जाए मोमेंटम के चेंज होने में, चेंज इन मोमेंटम में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए जिसकी वजह से फोर्स कम लगेगा। तो इसी तरह जब बॉक्सर, कोई बॉक्सर किसी अपोनेंट के, अपने विरोधी के ऊपर पंच मारता है, तो अपोनेंट क्या करता है, अपने फेस को थोड़ा पीछे ले जाता है, ताकि जो बॉक्सर का हैंड है उसके फेस से टकराने में थोड़ा सा उसको टाइम ज़्यादा लगे। तो जब टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स अपने आप कम हो जाएगा, इफेक्ट अपने आप कम हो जाएगा। और वहीं अगर अपोनेंट यानी विरोधी जो है अपना फेस को वहीं रखता टिकाए, तो बहुत तेज़ी से पंच वहाँ लगता, चेंज इन मोमेंटम में बहुत कम टाइम लगता, और बहुत कम टाइम लगता तो उसको चोट भी बहुत ज़्यादा लगती। इसीलिए वो क्या करते हैं, टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं। अपने फेस को जब वो पीछे ले जाएगा तो पंच को भी तो थोड़ा आगे तक जाने में समय लगेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा चेंज इन मोमेंटम में, तो अप्लाइड फोर्स भी कम होगा। यही चीज़ इसमें रिटर्न है।